16 नवंबर को जब नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और बीजेपी के दो नेताओं तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तब से ही एक बात की आशंका जताई जा रही थी। आशंका इस बात की कि बीजेपी दो डिप्टी सीएम के सहारे नीतीश कुमार पर कंट्रोल करना चाहती है, और इस बात को 100 घंटे भी नहीं बीते हैं कि ये बात अब सच साबित होते दिख रही है। नीतीश कुमार को अपने ही मंत्री का इस्तीफा लेना पड़ गया है। नीतीश कुमार को मेवालाल चौधरी का इस्तीफा लेना पड़ गया है। वो मेवालाल चौधरी जो जेडीयू से आते हैं, नीतीश कुमार ने उनको शिक्षा मंत्री बनाया, लेकिन 100 घंटे के अंदर ही नीतीश कुमार ने अपने मंत्री मेवालाल चौधरी का इस्तीफा ले लिया है। सोलह नवंबर को जब नीतीश कुमार ने शपथ ली थी तो उनके साथ 14 और मंत्रियों ने शपथ ली थी। इन मंत्रियों में मेवालाल चौधरी भी शामिल थे, जिन्हें बाद में शिक्षा मंत्रालय जैसा अहम मंत्रालय दिया गया। लेकिन तब से ही ये बवाल होना शुरू हो गया था कि मेवालाल चौधरी पर सबौर विश्वविद्यालय में भर्ती में घोटाले के आरोप हैं। ये 2010 से 2015 के बीच का मामला था, जब वहाँ पे भर्तियाँ हुई थी और उसमें घोटाले हुए थे। 2015 के बाद जब नीतीश कुमार 2015 में मुख्यमंत्री बने थे आरजेडी के गठबंधन के साथ, तब उस समय विपक्ष के नेता सुशील मोदी ने इस मुद्दे को खूब जोर शोर से उठाया था, और तब बिहार के राज्यपाल रहे रामनाथ कोविंद, जो अब फिलहाल राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इस मामले की जांच के आदेश दिए थे। जाँच के दौरान मेवालाल चौधरी पर आरोप सही पाए गए थे। ये सारी चीज़ें हुई थी। भागलपुर में सबौर थाने में मुकदमा भी दर्ज हुआ था, विजिलेंस ने भी केस दर्ज किया था। इसके बावजूद नीतीश कुमार ने मेवालाल चौधरी को 2020 में सरकार के गठन के बाद मंत्री बना दिया, और अब 100 घंटे भी नहीं बीते कि उन्होंने उनका इस्तीफा ले लिया है। इसके पीछे एक बड़ी वजह बताई जा रही है, बीजेपी। वो बीजेपी जो बिहार में नीतीश कुमार की सरकार में साझेदार है, और साझेदार भी छोटी नहीं, बड़े भाई की भूमिका में है। इस वक्त बीजेपी के पास 74 सीटें हैं, नीतीश कुमार के पास सिर्फ 43 सीटें हैं, और बीजेपी ने अपने कोटे से दो दो उप मुख्यमंत्री बना रखे हैं। इस मामले को उठाने वाले सुशील मोदी थे, जो फिलहाल अब इस सरकार का हिस्सा नहीं है, लेकिन जब उनसे बात की गई तो उन्होंने भी यही कहा था कि मेवालाल चौधरी को पद से हटाना चाहिए, मेवालाल चौधरी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इसके बाद से ही मेवालाल चौधरी चारों तरफ से घिरने लगे थे। वो बार बार सफाई दे रहे थे कि मेरे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप साबित नहीं हुआ है, मेरे ऊपर चार्जशीट नहीं हुई है, लेकिन मेवालाल चौधरी घिरने लगे थे। उनका बचाव करने की कोशिश खुद बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी ने भी की थी। उन्होंने भी कहा था कि अभी आरोप साबित नहीं हुए हैं और सिर्फ आरोप लगने से कोई भ्रष्टाचारी नहीं हो जाता, लेकिन फिर विपक्ष और तमाम लोगों ने रेणु देवी को और बीजेपी को वो बयान याद दिलाया, वो बात याद दिलाई जो सुशील मोदी ने की थी, तो जो तब विपक्ष के नेता थे, उन्होंने ही पूरे मसले को उठाया था, उन्होंने ही ये पूरा मामला सामने लाया था, जिसके बाद आरटीआई में सारी जानकारी सामने आई थी, पूरी जांच हुई थी। और अब उस सुशील मोदी की बात को दरकिनार करके कैसे मेवालाल चौधरी अपने पद पर बने रह सकते थे, ये नीतीश कुमार के लिए बड़ी चुनौती थी, क्योंकि फिलहाल नीतीश कुमार छोटे भाई की भूमिका में है। इस बात को हमेशा याद रखा जाना चाहिए कि उनके पास 43 ही सीटें हैं, बीजेपी के पास उनसे 31 ज़्यादा सीटें हैं, और बीजेपी जो कहेगी वो नीतीश कुमार को मानना ही पड़ेगा। हालांकि इस इस्तीफे के पीछे अभी साफ साफ ये नहीं है कि बीजेपी के दबाव की राजनीति है, या मीडिया के दबाव की राजनीति है, या विपक्ष के आरोप हैं, लेकिन एक बात साफ है कि सरकार बनने के 100 घंटे के अंदर ही नीतीश कुमार को अपने ही बनाए मंत्री का इस्तीफा लेना पड़ा है। अब इस इस्तीफे का बिहार की सियासत पर कितना बड़ा असर होगा, और क्या बड़ा असर होगा, कैसे आने वाले दिनों में ये सरकार चलेगी और कितना काम कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो बात यह है कि मेवालाल चौधरी का इस्तीफा हो गया है और अब वो बिहार के शिक्षा मंत्री नहीं रह गए हैं। आप देख रहे थे एबीपी अनकट। शुक्रिया। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।